गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। कल के वीडियो में बेटा हम बात कर रहे थे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा, जिनमें हमने 6-7 परिभाषाएं पढ़ी। उसके बाद हमने टॉपिक लिया था गोलीय दर्पण से कार्तीय चित्र परिपाटी, जिसके मुख्य बिंदु आपको पढ़ाए कि चिन्ह परिपाटी पढ़ने के बाद भी आप सवाल कर सकते हैं और चिन्ह परिपाटी पढ़ने के बाद भी आप समझ पा सकते हैं कि किसकी फोकस हुई धनात्मक, किसकी ऋणात्मक। तो हमें किसी राशि धनात्मक ऋणात्मक का पता कार्तिक चिन्ह परिपाटी से। आज के वीडियो में आपके लिए एक नया क्वेश्चन सिद्ध करना है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। क्वेश्चन लिखा, सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हुई, तो इसके परावर्तन को समझने के लिए हम यहां से एक किरण जो वक्रता केंद्र के पास की हुई निकल जाएगी, तो एक तरह से अभिलंब का काम करेगी। ये जो रेखा है इसका काम करेगी अभिलंब, ठीक है। तो इसका नाम तो है आप किरण, इसका नाम है परावर्तित किरण। तो देखो ये किरण यहां से परावर्तित हुई बिंदु की, ये आपतित किरण से कौन बना आई और ये कौन बना आर, और इसका नाम लिखूंगे ये तरह से अभिलंब। आपतित किरण का नाम हम रख देते हैं आर पी और पी, ये सी और ये है, ठीक है।
तो हमारे पास ये एक चित्र है और इस चित्र को देखते हुए हमें पता लगाना है कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी से दूरी कैसे, ये मुख्य अक्ष है। तो हम यहां लेंगे परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। अब हम देखें कोण आर पी सी बराबर कोण क्यू पी सी, ठीक है। इसका मतलब देखो आप कौन कौन से कोण बराबर है, ये कोण आई है ये कोण आर है, तो कोण आर आर पी सी बराबर कोण क्यू पी सी और क्यू पी और सी, देखो दोनों बराबर है कि नहीं। आर पी सी कोण का मान क्यू पी सी के बराबर है क्योंकि आपतित किरण तो है आर पी जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो आर पी सी और पी सी है एकांतर कोण है। हम कहें आर पी सी और सी पी एफ ये दोनों एकांतर कोण है, या पी सी और एफ एकांतर कोण कौन कौन से होंगे, कौन आर पी सी तथा कोण पी सी एफ, कोण पी सी एफ आर पी सी और पी सी एफ यानी ये कोण और ये कोण कैसे होंगे एकांतर होंगे, तो कोण आर पी सी तथा पी सी एफ एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और देखिएगा तो हम यदि कहें पीसीएफ पीसीएफ बराबर क्यूपीसी क्यूपीसी पीसीएफ बराबर क्यूपीसी एक ही बात है, कौन तो एक ही है बराबर एफपीसी बराबर एफपीसी बात हो रही है, यानी पीसीएफ सीपीएफ QPC एक ही कोण, एक ही कोण का नाम है, इसलिए त्रिभुज PCF में तो हम क्या कहेंगे, इसलिए त्रिभुज PCF में PCF में। अब PCF में अगर हम देखें तो ये पता लगेगा कि PF बराबर CF, तो हम इसको कह सकते हैं पी एफ बराबर पी एफ बराबर एफ सी, देखो ग्राफ यानी ये कौन इसके एकांतर है, तो कौन पी सी पी एफ एल या पी सी एफ एल ये कमल ग्राफ है या क्यू पी सी एफ एकांतर है, तो पी सी एफ में पी सी एफ में पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु पी दर्पण के ध्रुव से समीप होता है। अब यदि द्वारक छोटा है तो ध्रुव इसके पास ही होगा, ठीक है, ये क्या है ध्रुव, तो द्वारक छोटा है तो ये समीप होगा और समीप होगा तो इसको अपनी तरह से सरल रेखा मानेंगे, क्या मानेंगे सरल रेखा, तो हम लिख भी सकते हैं
यदि दर्पण का द्वार छोटा हो तो बिंदु P दर्पण ध्रुव के समीप होता है, अतः पी एफ बराबर ओ एफ पी है बराबर। यदि दर्पण का द्वार छोटा हो तो दर्पण का द्वार छोटा हो तो जो P है तो बिंदु P तो बिंदु P दर्पण के ध्रुव के पास होगा, अतः P है बराबर O है, अतः हम क्या कह सकते हैं एफ सी बराबर ओ है, एफ सी बराबर ओ है। वैल्यू देखो फिर आप इसको निकालो। क्लियर है ये तो पहले आपने ये आपका दर्पण है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दो होती है, ठीक है, यानी आर बराबर टू एफ ई सिद्ध करता है। तो हमने पहले इसका डायग्राम बनाया, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष और ये बीच का मध्य बिंदु ध्रुव। अब मुख्य अक्ष के समांतर ये रेखा चली, परावर्तन के पश्चात एफ से गुजरी, ये परावर्तन किरण हो गई, ये आपतित किरण। अब ये किरण कितनी परावर्तित हुई तो यहां से अभिलंब खींच दिया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई और परावर्तन कोण अभिलंब के बीच का कोण आर या परावर्तन, ठीक है, ये आपके सामने चित्र। अब इसको सिद्ध करने के लिए परावर्तन का नियम लगाया, परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां कारण कोण आई बराबर कोण आर,
कोण आई बराबर कोण आर। अब कोण आई क्या है, आर बी सी, तो कोण आर बी सी बराबर कोण क्यू बी सी कोण क्यू बी सी, ठीक है। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये कोण है ना, ये और ये एकांतर है, ये कोण कैसे है एकांतर। तो मैंने कहा आर टी सी टी सी है, आर टी सी और टी सी है एकांतर कोण, और आर टी सी तथा टी सी है एकांतर कोण है। आप देखो त्रिभुज पीसीएफ में, ये जो त्रिभुज है पी सी एफ, इस त्रिभुज पी सी एफ में देखो आप पी ए बराबर सी है, पी ए बराबर सी एफ या एफ सी, ठीक है। यदि दर्पण का द्वार छोटा हो, दर्पण का द्वार छोटा हो तो बिंदु भी ध्रुव के समीप होगा और यह एक सरल रेखा की तरह होगा, ठीक है। तो यहां यदि हम देखें पी ए बराबर ओ ए, पी ए बराबर ओ ए बराबर पे तो ओ बी, ये रेखा इसके बराबर होगी, ठीक है। तो ओ ए क्या है, फोकस दूरी, ओ ए बराबर फोकस दूरी, और ओ ए की दूरी है बी सी ए की दूरी है, तो ओ ए फोकस दूरी है और सी ए की फोकस दूरी है, तो ओ से सी की दूरी होगी वक्रता त्रिज्या, ओ सी बराबर क्या है वक्रता त्रिज्या, तो कह सकते हैं ओ सी बराबर ओ सी बराबर ओ ए गुणा दो, ओ ए गुणा दो भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं ओ सी बराबर, ओ सी बराबर दो गुणा ए कहते हैं, तो ऐसे OF का मान भी F है और CF का मान भी फोकस दूरी डबल हो गई ना, तो OC बराबर OF प्लस CF, OC बराबर OF प्लस CF और BC के वैल्यू के बराबर है, तो F बराबर ये होगा। तो यहां हमने लिखा OF की वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, F का कितनी हुई 2 है, तो फोकस दूरी की दूरी है क्या OC, तो OC क्या है वक्रता त्रिज्या, तो C बराबर है वक्रता त्रिज्या और ओ ए बराबर है फोकस दूरी। अब यदि फोकस दूरी का गुणा दो करें तो वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी, और फोकस दूरी बराबर निकाले तो वक्रता त्रिज्या होते दो होगी, तो हम ये भी कह सकते हैं बराबर आर बटे दो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ध्रुव ओ एफ की दूरी एफ के बराबर है, एफ होती है तो एफ बराबर है सी एफ बराबर है, ओ सी बराबर आर, ओ सी बराबर ओ एफ प्लस सी एफ, ओ सी बराबर आर, ओ एफ बराबर है सी एफ बराबर है, एफ बराबर कितना हो गया दो हो गया, ये हमें सिद्ध करना है। आराम से समझ लें, ध्यान से समझ लें, जहां समझ में नहीं आ वहीं आओ। और बेटा ऐसे क्वेश्चन ही आप जब करोगे तो आपके दिमाग का तार बनता है, आपका दिमाग तेज होता है, और ऐसे क्वेश्चन आपको करने भी पड़ेंगे। जितने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर पाओगे उतना ही अच्छा है। इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा कि ये हुआ कैसे। जैसे आपने उसमें निकाला था कि समतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब होता है, और उसमें आपने सिद्ध किया था समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूर होती है प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है, उसको भी आपने सिद्ध किया था, ऐसे ही आप इसको सिद्ध करेंगे। तो यहां आप स्टेप बाय स्टेप चलें, जिस स्टेप समझ में नहीं आए उसको फिर आप देखें, बुक की हेल्प लें, पुराने बच्चों की कॉपी और नोट्स उसकी हेल्प लें, और एक ही स्टेप, स्टेप छोटा नहीं है, यदि आपने एक स्टेप छोड़ दिया तो आप उसको नहीं समझ पाओगे, एक भी स्टेप निकल गया तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे बेटा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए परावर्तन की दूरी। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए चार नियम हैं, वो
गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के चार नियम हैं। सबसे पहला नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर हो, जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर हो, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपने डाउट निकालते रहिए। थैंक यू।